हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? सुख समृद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। मृत्यु से पहले मनुष्य को मिलते हैं ये 7 संकेत। अगर किसी को इन 7 संकेतों का अभ्यास होने लगे तो समझ जाना उसकी मृत्यु नजदीक है। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को शास्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अर्थात मनुष्य की देह में स्थित आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता, किंतु मनुष्य का शरीर अमर नहीं है। उसकी मृत्यु एक ना एक दिन तो अवश्य होनी है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जिस समय मनुष्य भौतिक संसार में जन्म लेता है उसी समय उसकी मृत्यु का समय और मृत्यु का कारण निश्चित हो जाता है। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर मनुष्य जानने की जिज्ञासा रखता है। मृत्यु से पहले होने वाले आभास, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का सत्य है आदि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु से जुड़ा लगभग हर रहस्य उजागर किया हुआ है। गरुड़ पुराण में जीवन से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद आत्मा के सफर के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाएं, नरक लोक की यातनाएं, स्वर्ग लोक और स्वर्ग लोक के पश्चात पुनर्जन्म सभी विषयों के बारे में बताया है। पृथ्वी पर जन्मा हर जीव जीवन और मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है। जिस प्रकार जन्म सत्य है उसी प्रकार मृत्यु भी एक शाश्वत सत्य है जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। इसलिए मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। ईश्वर की इच्छा के बिना कोई भी मनुष्य उसकी आयु से अधिक एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता और हर व्यक्ति जीवन के इस कटु सत्य को जानता है, लेकिन फिर भी वह मृत्यु को लेकर भयभीत रहता है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिन्हें यदि हम जान ले तो हम पहले ही यह जान सकते हैं कि अब हमारी मृत्यु का समय निकट आ चुका है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मृत्यु से पूर्व मिलने वाले ऐसे कौन से संकेतों के बारे में बताया है। पहली बात, गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसकी परछाई उसका साथ छोड़ देती है। ऐसे मनुष्य को तेल और पानी में अपनी परछाई यानी प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका अंतिम समय अब निकट आ चुका है। दूसरी बात, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसको अपने आसपास अपने पूर्वज या अपने पितर दिखाई देने लगते हैं। उन्हें अपने पास अपने पितरों की मौजूदगी दिखाई देती है। वह उनके आसपास परछाइयों में घूमते हैं और वह भलीभांति जान लेते हैं कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। तीसरी बात, जब भी किसी इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने शरीर से किसी प्रकार की गंध आने लगती है जो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इस गंध को सूंघते ही उसे समझ आ जाता है कि उसका अंत समय अब निकट आ चुका है। चौथी बात, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है और वह आईने में अपना चेहरा देखता है तो उसे अपने चेहरे के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है या कई बार उसे स्वयं का विद्रोही चेहरा दिखाई देता है। यह आईना उसे आने वाले मृत्यु के बारे में आगाह कराता है। इसलिए जब भी मनुष्य को अपना विद्रोही चेहरा दिखाई दे या अपने चेहरे की जगह किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। जब इंसान की मृत्यु पास आती है तो उसका शरीर पीला या हल्का लाल दिखाई देने लगता है। उसकी त्वचा अंदर से जलने लगती है। यदि कोई व्यक्ति पापी होता है तो उसे नरक जाने का एहसास पहले ही हो जाता है और उसकी त्वचा जलने लगती है जिससे उसको बहुत अधिक तकलीफ भी होती है। जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी दिखाई देनी बंद हो जाती है। कई बार उसे चांद टूटा हुआ नजर आने लगता है। जब इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसकी जुबान थोड़ी ऐंठने लगती है, नाक और मुंह थोड़े कठोर हो जाते हैं और उससे पस निकलने लगती है जिनसे निकलने वाली दुर्गंध से वह परेशान हो जाता है
और मृत्यु की कामना करने लगता है। जब इंसान की मृत्यु पास आती है तो उसकी आंखें इतनी कमजोर हो जाती है कि उसे अपने आसपास बैठे लोग भी दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात उसकी आंखों की रोशनी भी कमजोर होने लग जाती है। जिस मनुष्य ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, जिसने जीवन में पुण्य कमाया होता है, उसकी जब मृत्यु पास आती है तो उसे अपनी आंखों के सामने एक दिव्य रोशनी की अनुभूति होती है और ऐसे व्यक्ति मृत्यु से नहीं घबराते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने पाप किए होते हैं, उसे मृत्यु निकट आने पर अपनी आंखों के सामने भयंकर रूप वाले यमदूत दिखाई देते हैं, जिनसे डरकर वह कांपने लगता है और अपने पाप दोषों को कोसने लगता है। दोस्तों, यह थे वह संकेत जो मृत्यु आने से पूर्व मनुष्य को मिलते हैं। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जहां भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक। मिलते हैं कल ऐसी ही एक वीडियो के साथ। तब तक आप सबको जय श्री कृष्णा।